हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको एडमिट कार्ड के साथ साथ और क्या क्या लेके जाना है और आपको एग्जाम से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है। सो जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, सो मैं उनको बता दूं कि मैं एज अ RRBPO वर्क कर रही हूँ 2 सालों से, और मैं अपने चैनल पे स्टडी रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ ताकि जिससे आपको प्रिपरेशन में हेल्प मिले। और अगर आप भी मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप अपना एडमिट कार्ड निकलवा लो। अब ऐसा नहीं है कि जिस दिन एग्जाम हो हम उसी दिन जाके एडमिट कार्ड निकलवाएंगे, हमारी इवनिंग की शिफ्ट है तो हम मॉर्निंग में एडमिट कार्ड निकलवा लेंगे, ऐसी गलती बिल्कुल करनी है। आप 2 या 3 दिन पहले एडमिट कार्ड निकलवा के रख लो। हो सकता है जिस दिन आप जाओ उस दिन मौसम खराब हो, लाइट ना हो, जो कोई भी इशू हो, सो ऐसी कोई भी परेशानी ना आए, इससे बढ़िया है कि आप पहले से ही अपना एडमिट कार्ड निकलवा के रखो। क्योंकि एक तरफ एग्जाम का प्रेशर होता है और दूसरी तरफ आपके अगर डॉक्यूमेंट कंप्लीट ना हो तो वो एक अलग टेंशन क्रिएट हो जाती है। सो इसीलिए ऐसी बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है जिसका इम्पैक्ट आपके एग्जाम पे पड़े। एक और चीज, जैसे कि आप सभी को पता है कि IBPS ने RRB में भी सेक्शनल टाइमिंग सेट कर दिया है, रीजनिंग के लिए 25 मिनट और क्वांट के लिए 20 मिनट। सो काफी स्टूडेंट्स ने विदाउट टाइमर प्रैक्टिस की होगी, मींस 45 मिनट के हिसाब से प्रैक्टिस करी होगी रीजनिंग और क्वांट की। अभी आप टाइमर के साथ ही मॉक टेस्ट लगाओ ताकि आपको एग्जाम में इजी रहे। सो अगर आप भी चाहते हो कि आप मॉक टेस्ट टाइम के साथ अटेम्प्ट करो बेस्ट प्लेटफॉर्म से, तो इसके लिए टेस्ट बुक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। टेस्ट बुक आप सबके लिए इस टाइम लेकर आया है सिलेक्शन मेरा हक सेल, जो कि 28 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है, 31 जुलाई लास्ट डेट है। सो इसमें आपको जो ईयरली पास प्रो मिल रहा है उसका प्राइस है 699 और 449, बट अगर आप इसमें मेरा टपरी कोड यूज करोगे तो आपको पूरा 12% ऑफ मिलेगा और यही आपको ईयरली पास प्रो पड़ेगा 395 में। पूरे ईयर की सब्सक्रिप्शन इसमें आपको मिल रही है जिसमें आपको मॉक टेस्ट, क्विज और बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आप सेक्शनल टाइम के साथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो ताकि इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस बन जाए। सो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, सो लिंक पे क्लिक करके आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हो। टपरी कोड यूज करना मत भूलना ताकि इससे आपको ऑफ मिले और पूरे ईयर की सब्सक्रिप्शन आपको कम पैसों में मिल जाए। सो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सेकेंड नंबर पे बात करते हैं पासपोर्ट साइज फोटो की। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि जो फोटो हमने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई हुई है क्या वैसी ही फोटो लेके जानी है। कोशिश करो कि सिमिलर वैसी ही हो ताकि आपको किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए। कि मेरा ऐसा था, जो मैंने एप्लीकेशन फॉर्म में फोटो स्कैन करके लगाई होती थी वही फोटो मैं आगे एग्जाम में लेके जाती थी। फिर चाहे मेरा प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, हर जगह मैं वही फोटो लेके जाती थी। आप एक फोटो की बहुत ज्यादा कॉपीज करवा के रख सकते हो, अप्रोक्स 20 to 25, ताकि आगे आपको अगर एक ही एग्जाम देना है तो उसकी स्टेजेस के लिए भी आपको बहुत सारी फोटोज चाहिए। एक तो फोटोज, सेकेंड नंबर पे आपके ID प्रूफ की फोटोकॉपी, ये तो आपको बार बार जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि जब आपका एग्जाम आएगा आप उसी टाइम फोटोकॉपी करवाओगे, आप पहले ही ID प्रूफ की 10 से 15 फोटोकॉपीज करवा के रख लीजिए ताकि बार बार आपको फोटोकॉपीज करवाने के लिए ना जाना पड़े। सो ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपको सेम फोटो ही लेके जानी है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। और आपको एक फोटो एडमिट कार्ड पे पेस्ट करके लेके जानी है, दूसरी फोटो आपको साथ में लेकर जानी है। बट मैं आपको ये बोलूंगी कि आप 2 से 3 फोटो साथ में लेकर जाना, उसका कोई भी इश्यू नहीं होगा अगर आप एक्स्ट्रा फोटो साथ में कैरी करते हो। सो 2 से 3 फोटो साथ में ले जाना। नेक्स्ट बात करते हैं ID प्रूफ की, आपको आइडेंटिटी प्रूफ के लिए क्या लेके जाना है। आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड और इसके साथ ही परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, और भी बहुत सारे आपको डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाएंगे। आप नोटिफिकेशन पढ़ लेना, मैंने मेनली जो 4 मेन थे वो आपको बता दिए। और इसके साथ ही ना तो राशन कार्ड आपका एज अ ID प्रूफ चलेगा और ना ही लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, ये दोनों चीजें बिल्कुल नहीं चलेंगी। एक और चीज की, आज के टाइम में किसी के पास पासपोर्ट हो चाहे ना हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो चाहे ना हो, आज के टाइम में सबके पास आधार कार्ड होता है। सो आप अपना आधार कार्ड लेकर जाइए, आधार कार्ड की फोटोकॉपीज करवा के रख लो 10 से 15। अगर आप सिर्फ एक ही एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, सिर्फ RRB का, तो वहां भी आपको बहुत सारी फोटोकॉपीज की जरूरत पड़ेगी, पहले प्री के लिए, फिर मेंस के लिए, फिर इंटरव्यू के लिए, DV के लिए। सो इस तरीके से बार बार आपको फोटोकॉपीज ना करवाने की जरूरत पड़े, सो आप एक बार में ही करवा के रख लो। सो आप आधार कार्ड लेके जाओ तो बढ़िया है, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। बट ध्यान रहे, राशन कार्ड और लर्निंग ड्राइविंग
लाइसेंस बिल्कुल नहीं चलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि आप अपने साथ पेन लेकर जाओगे या नहीं। आप अपने साथ मिनिमम 2 पेन जरूर लेके जाना। अब ऐसा नहीं है कि आपने दुकान से पेन खरीदे और डायरेक्ट जाके आप एग्जाम में ही वहां पे लिखोगे, ऐसी मिस्टेक मत करना। आप 2 पेन लेकर रखो और उन 2 पेन से कम एक एक मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करो, ताकि जिस टाइम आप मॉक टेस्ट दोगे तो अगर कोई दिक्कत होगी तो आपको पहले पता लग जाएगा कि उस पेन में कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर एग्जाम में जाओगे वहां पे आपका पेन रुकेगा, क्योंकि एग्जाम में एक एक मिनट एक एक सेकंड बहुत कीमती होता है। सो मैं नहीं चाहती कि छोटी छोटी चीजें आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। सो इसका बेस्ट सोल्यूशन है कि आप 2 से 3 पेन लेके जाना, बट पहले उनको घर पे चेक करके जाना। आप एक एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना, ताकि अगर वो पेन रुक रहा होगा या फिर खराब होगा तो आपको पहले ही पता लग जाएगा। एग्जाम सेंटर में आपको पेन नहीं मिलेगा, आप अपना पेन खुद कैरी करके लेके जाना। नेक्स्ट बात करते हैं, आप वाटर बॉटल लेके जा सकते हो, बट वो वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। आप कलरफुल या फिर डिजाइन वाली बॉटल नहीं लेकर जा सकते हो, वो बिल्कुल अलाउड नहीं होती है। आप ट्रांसपेरेंट बॉटल लेकर जा सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, जो आप एडमिट कार्ड निकलवाओगे वो एडमिट कार्ड आप संभाल के रखोगे। वो एडमिट कार्ड अभी आपका कलेक्ट नहीं किया जाएगा, वो आपका एडमिट कार्ड मेंस के टाइम पे लिया जाएगा। सो एडमिट कार्ड ऐसा नहीं है कि आपने एग्जाम दिया और वापस आए कहीं भी रख दिया और भूल गए। एडमिट कार्ड संभाल के रखना, मेंस पे वही एडमिट कार्ड आपसे कलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप कुछ भी एडमिट कार्ड पे नहीं लिखोगे। कई बार ऐसा होता है कि हमने एडमिट कार्ड निकलवाया, यहाँ सिग्नेचर के लिए बोला गया है, तो आप साइन कर रहे हो, ना तो साइन करने हैं ना ही कुछ लिखना है। हैंड रिटन सैंपल के लिए जो बोला जाता है वो आपको एग्जाम स्टार्ट होने से पहले एक लाइन शो होगी पीसी पे, आप उसको देख के पूरा अपने एडमिट कार्ड पे लिखोगे, ताकि अपनी मर्जी से घर पे कुछ भी लिख के लेके जाओगे। सेकंड नंबर पे साइन नहीं करने हैं, साइन वहीं जाके करने हैं इनविजिलेटर के प्रेजेंस में, जब वो बोलेंगे कि साइन करो उसी टाइम करने हैं। घर पे कुछ भी एडमिट कार्ड पे नहीं लिखना है, इवन सेल्फ अटेस्टेड भी आप वहीं जाके करोगे एग्जाम सेंटर में। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, जब भी आप एग्जाम में जाते हो, अगर तो आपकी मॉर्निंग की शिफ्ट हुई तब तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल होता है कि शिफ्ट दोपहर में हो या फिर शाम में हो, मतलब पहली के बाद जो मर्जी शिफ्ट हो, सेकंड थर्ड फोर्थ, तो क्या होता है कि अक्सर हम एनालिसिस सुनने लग पड़ते हैं कि वो शिफ्ट तो बहुत इजी आई थी, वहां तो 80 में से 65 आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे, 60 अटेम्प्ट कर सकते थे। और जिस टाइम हम अपनी शिफ्ट में बैठते हैं और अगर वहां एग्जाम का लेवल टफ हो जाए तो वहां पे हम पैनिक होने लगते हैं कि हमारे वाली शिफ्ट में तो 45 भी बड़ी मुश्किल से अटेम्प्ट हो रहे हैं, 50 भी अटेम्प्ट बड़ी मुश्किल से हो रहे हैं, पहले वालों ने इतने अटेम्प्ट कर लिए हैं, उनका क्लियर हो जाएगा, मेरा क्लियर नहीं होगा। सो इस चीज से दूर रहने के लिए यही बोलूंगी कि एनालिसिस मत देखना। हाँ, आप अगर हिंट लेना चाहते हो तो वैसे हिंट ले सकते हो कि डायरेक्शन के क्वेश्चन आए हुए थे या फिर किस टाइप की पजल्स आई हुई थी, बस एक हिंट के लिए। जरूरी नहीं है कि जो फर्स्ट शिफ्ट को आया हो वही आपको आया होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और हाँ, ऐसा तो बिल्कुल नहीं किसी से पूछना है आपने कितने अटेम्प्ट करे हुए हैं, क्योंकि जिस टाइम आप अपनी टेम्पटेशन देखोगे तो फिर आपको ही प्रॉब्लम होगी। मैं कभी भी किसी से, जब भी एग्जाम सेंटर से बाहर अगर मेरे नॉन निकले, मतलब फ्रेंड्स वगैरह एग्जाम देके निकले, तो मैं कभी उनसे नहीं पूछती थी कि आपकी कितनी टेम्पटेशन हुई थी। पूछूंगी घर जाके जिस टाइम मेरा एग्जाम अटेम्प्ट हो जाएगा तब, अदरवाइज जरूरत नहीं है। जिसने जितना अटेम्प्ट करा है ठीक है, अब जो भी बताएगा वो रिजल्ट ही बताएगा, मैं ऐसा सोचती थी। सो इन चीजों का आपको ही फायदा है, आप पैनिक नहीं होंगे। एनालिसिस देखने का मतलब ये होता है कि जैसे ही पहली शिफ्ट के बच्चे बाहर आएंगे तो वो भी बड़ी बड़ी वेबसाइट होती है, चैनल्स होते हैं, वहां पे शेयर करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे, आप वहां से एक हिंट ले सकते हो। बट मैं यही बोलूंगी कि सारी शिफ्ट अलग अलग होती है, अगर नहीं भी देखोगे तब भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर उसमें बताया गया है कि वहां पे हेक्सागोनल पजल आई हुई थी और आपने उस चीज की प्रैक्टिस नहीं करी हुई थी, तो एनालिसिस देखने में भी कुछ नहीं होगा। कि आप ऐसा नहीं है कि हेक्सागोनल आपने वहां पे सुन लिया और आप अपने एग्जाम में बैठोगे और आपको भी पजल आ गई तो आप वहां पे सॉल्व कर पाओगे, आप वहां पे वही क्वेश्चन कर पाओगे जो आपने आज तक प्रैक्टिस करी होगी। डोंट बी पैनिक, ये लाइन आपको सुनने में लग रहा होगा कि हाँ ये तो सामने से वीडियो में बोल रहे हैं तो बहुत इजी है, इजी नहीं होता है, वो मुझे भी पता है। वो आपको अपने माइंड को समझाना होता है, यही बात आपको रिपीट करनी है। जब तक आप एग्जाम सेंटर से बाहर होंगे शांत बैठे रहो, कोई चीज सोचने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ लिया उतना ठीक है। सेकंड नंबर पे, जिस टाइम आपको एग्जाम सेंटर में बिठा दिया जाता है, आपके पास 40 से 45 मिनट होते हैं, मतलब जिस हिसाब से आप एंट्री करोगे, स्टार्टिंग में एंट्री कर लोगे तब तो आपके पास काफी टाइम होगा, लास्ट में एंट्री करोगे फिर कम टाइम बचेगा आपके पास। जितना भी आपके पास टाइम होगा वहां पे आप यही सोचोगे कि मुझे जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं बिल्कुल ध्यान से अटेम्प्ट करने हैं, और इसके साथ ही मैंने एक एक क्वेश्चन की लाइन इतने ध्यान से पढ़नी है कि मुझे दोबारा से वो लाइन पढ़नी ना पड़े। स्पेशली पजल की, पजल में मैं एक एक लाइन जिस तरीके से पढ़ूंगा या पढ़ूंगी कि उसे मैं दोबारा से रीड नहीं करूंगी, एक एक लाइन एक ही बार में ध्यान से पढ़नी है और उसको नोट डाउन कर लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। अभी आपके पास जितना टाइम बचा है, जितने भी आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे
आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने से पहले ही ये बातें बार बार रिपीट किया करो, और एग्जाम सेंटर में भी यही बातें रिपीट करना, क्योंकि मैं तो यही चीज करती थी। मैं यही अपने माइंड को समझाती थी कि चाहे 10 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाए, मुझे एक क्वेश्चन को बार बार नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक ही बार पढ़ूंगी, चाहे थोड़ा टाइम लग जाए, बार बार उस क्वेश्चन को रीड नहीं करना है, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, और मैं जो भी अटेम्प्ट करूंगी बिल्कुल ध्यान से करूंगी, पजल नहीं होना है, जितना भी अटेम्प्ट करूंगी अच्छे से करूंगी विद एक्यूरेसी। तो इन चीजों का ध्यान रखना है, अपने दिमाग को जितना समझाओगे तभी उस हिसाब से आगे दिमाग काम करेगा। यही सोचते रहोगे कि मुझे 80 में 65 करने हैं, 60 अटेम्प्ट करने हैं, नहीं मुझे तो 55 अटेम्प्ट करने हैं तभी मेरा सिलेक्शन होगा, लास्ट टाइम इतनी कट ऑफ गई थी। कट ऑफ आपके हाथ में नहीं है, एग्जाम का क्या लेवल होगा वो आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है अपनी प्रिपरेशन, अपनी प्रैक्टिस, और जिस टाइम आप वहां पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपके हाथ में है कि आप उन क्वेश्चंस को ध्यान से अटेम्प्ट करो, दैट्स इट। और विद एक्यूरेसी जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो अच्छे से अटेम्प्ट करना, बार बार रीड मत करना क्वेश्चंस को, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा। और अभी सेक्शनल टाइम के साथ हम मॉक टेस्ट दोगे तो ध्यान रखना कि आपको कौन से क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने हैं और कौन से बाद में अटेम्प्ट करने हैं। जो क्वेश्चन नहीं आता है, कभी नहीं पढ़ा है, कभी नहीं प्रैक्टिस करी है, उसको स्किप करना और आगे वाले क्वेश्चन पे मूव कर जाना। सो इन चीजों का ध्यान रखना। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, एग्जाम सेंटर में टाइम से पहले पहुंच जाना, बहुत ज्यादा टाइम से पहले भी नहीं पहुंचना है और बहुत ज्यादा लेट भी नहीं पहुंचना है कि ताकि फिर हड़बड़ी मची रहे और फिर आपको दिक्कत आए। आप इतना हो कि जिस टाइम आपकी एंट्री 1 घंटे पहले होती है तो आप 1 घंटे पहले वहां पहुंचे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एंट्री स्टार्ट हो चुकी है, आप बिल्कुल लास्ट में एंट्री कर रहे हो तो वो हड़बड़ी मची रहती है, इससे आपको ही दिक्कत होगी। ऐसा होता है कि फटाफट से चीजें कंप्लीट हो, मुझे ये चीज भी देखनी है, वो चीज भी देखनी है। सो ये चीजें आपको बाद में दिक्कत ना दे, आप टाइम से पहुंच जाओ। बहुत ज्यादा पहले भी नहीं पहुंच जाना है कि आपको फिर बिल्कुल लेजीनेस फील होने लग जाए, और बहुत ज्यादा लेट भी नहीं आना है। ऑन टाइम पहुंचो, आराम से बैठ के रेस्ट करो, जितना पढ़ लिया बस ठीक है, अभी आपके पास जो टाइम है अभी पढ़ो जितना पढ़ना है। एग्जाम सेंटर पे पहुंच के हड़बड़ी नहीं करनी है, उस दिन खुद को रेस्ट देनी है, दिमाग शांत रहेगा तभी आप अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाओगे। उम्मीद है आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और इसके साथ ही सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।